नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। तहसील नोहराधार के अंतर्गत आने वाले देवामानल पंचायत के बागन खड्डे में डूबे मंडौली के 17 वर्षीय अभिषेक का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। सर्च ऑपरेशन में 3 दिनों से जुटे गोताखोर भी अब हिम्मत हार चुके हैं और पौंटासाही वापस जा रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने शनिवार को चौपाल से लोकल गोताखोर भी बुलाए, मगर यह गोताखोर भी इस सर्च ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि अंदर भंवर बहुत ज्यादा तेज बहाव वाला है, जिस कारण पानी के अंदर बड़ी बड़ी शिलाओं में कुंड बने हुए हैं और युवक के गहरे कुंड में फंसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों व पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से अब NDRF की टीम को बुलाने की मांग की है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश से कपिल शर्मा की एक रिपोर्ट। धन्यवाद करते हैं, फूलमाल से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, शिवपुर पंचायत के गोताखोरियाँ आए और उसके बाद जो है ये जो नीचे पावटा साइड से जो ये गोताखोरों की टीम आई थी, उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। ये अलग बात है कि वो उसको नहीं निकाल सके। जहाँ तक लोगों की प्रयासों की बात है, लोगों के सहयोग की बात है, उसके लिए भरपूर हमारे को सहयोग मिला है। मैं फिर से सभी का जो बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और जो गांव वाले सभी भी यहाँ पे जितने भी लोकल आदमी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, दिन में उनका ख्याल रखें कि यहाँ पे नहाने ना आए, क्योंकि इस तरह की गंदी गंदी जगहों पे अगर नहाएंगे और भी हादसे हो सकते हैं इस तरह से। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी आदमी यहाँ पे पहुँचे थे, तो उनके बावजूद इतनी मतलब जो उनकी कोशिशें थी उसके बावजूद भी यहाँ नहीं मिल सका वो बच्चा। तो मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ भी यहाँ के गाँव के बच्चे जो भी यहाँ नहाने आते हैं वो यहाँ पे नहीं आए और अपने जो बच्चों को सब संभाल के रखें। हाँ, चेतावनी मैंने इन्हें दे दिया। अच्छा, मेरा जो मेन पॉइंट था मेरा लॉ एंड ऑर्डर का है, बाकी उन्हें अनुमति मिली है, वो उन्होंने अनुमति भेजी थी मुझे कि हाँ मुझे अनुमति मिली है। लेकिन मैं सुबह तकरीबन 3.5-4 घंटे से लगातार गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी बात की आपत्ति है तो आप संबंधित विभाग से आप SDM साहब के पास जाइए, वहाँ पर अपना पूरा पक्ष रखिए और बताइए कि जी ज़मीन क्या है, कहाँ पर क्या होना है, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या इसके जो है फॉरकास्टिंग जो आप लोग कर रहे हो हमारे सामने, तो वो चीज़ वहाँ बताइए। और तब अगर जो है प्रशासन आपकी बात समझता है या आपकी बात पर जो भी वो संज्ञान लेते हैं तो पुलिस उसका जो है अक्षरशः पालन करेगी। लेकिन जब उन्हें अनुमति मिल रखी है तो आप जो है उसको मतलब अनावश्यक रूप से उस काम में बाधा डाल के गैर कानूनी काम कर रहे हो। किसी ग्रामीण आपके साथ कोई बदतमीजी वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं नहीं,